सालों से जर्जर बिल्डिंग में काम कर रहे हरिद्वार नगर निगम के कर्मचारियों को जल्द नया कार्यालय मिलने वाला है। नया कार्यालय की बिल्डिंग का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने हरिद्वार पहुंचकर निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया। मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि करीब 9 करोड़ रुपये के बजट से हरिद्वार नगर निगम कार्यालय के लिए नई बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा है। 3 मंजिला बिल्डिंग में अधिकारियों और मेयर के कार्यालय बनाए जाएंगे। जनता की सुविधा के लिए सबसे नीचे वाले तल पर पब्लिक डीलिंग के काम होंगे और अगले साल तक बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। प्रकार से बहुत पुरानी बिल्डिंग यहाँ नगर निगम की थी और हमारे कर्मचारी अधिकारियों की दक्षता बढ़े, हर चीज में आप देखते हैं कि एक सोच बनती है कि हम एक अच्छे वातावरण में काम करें। ऐसी स्थिति में यहाँ जो अपनी नगर निगम की लैंड थी उस पर 3 मंजिला भवन बनाने का काम आपके सामने प्रारंभ हो रखा है और उसको मैं आज इसलिए देखने आया था कि कर क्या रहे हैं। तो इसमें जैसा मुझे जानकारी दी गई, 3 मंजिला इस बिल्डिंग के अंदर पहले ब्लॉक यानी पहली मंजिल में जो हमारे स्थानीय लोग होंगे, लाभार्थी होंगे, उनके लिए एक वो कक्ष वो तल होगा जिसमें उस प्रकार के ऑफिस होंगे जो उनकी सुनवाई, उनके काम, उनके निराकरण का वो तल होगा। यानी 3 मंजिला ये बन रहा है और एक उसमें गुंजाइश भी रखी है कि यदि आवश्यकता पड़ेगी उसके बाद भी हम उसमें अपने और मंजिल बना सकेंगे। 1 साल इस काम को होने में लगेंगे और मैं उम्मीद कर रहा हूँ 1 साल के अंदर यानी अगले नवरात्रे में इसका उद्घाटन होगा। नर्सिंग होम जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आँखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उप्पल नर्सिंग होम जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयति उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर आर के उप्पल। उप्पल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।